नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, क्योंकि आज की मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक फॉर्म हुई है बैंक निफ्टी में। देखो, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और आज का जैसा दिन गुजरा है बैंक निफ्टी का, अगर वैसा कल का भी दिन गुजरा तो जरूर हमें जीरो हीरो ट्रेड जरूर मिलेगा। आप मेरी बात लिख के ले लो। देखो, आज जिस तरीके का हमें परफॉर्मेंस देखने मिला बैंक निफ्टी में, ऑलमोस्ट 1% से ऊपर की तरफ हमें अपर सर्किट देखते हुए मिले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉइंट, तो 620 पॉइंट ऊपर आज हमें मार्केट जाता हुआ देखने मिला है। पर यहां पर एक सवाल मुझे लगता है कि हम सबके मन में होगा, जो कि मैं क्लियर करना चाहता हूं आप लोग के साथ। यहां पर आप देखोगे कि पिछले 4 दिनों से मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इनडिसीजन टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर आप देखोगे थर्सडे के दिन एक बहुत ही बड़ा हमें डाउनफॉल देखने मिला था, उसके बाद रिकवरी आई, उसके दूसरे दिन वापस से एक बड़ा डाउनफॉल हमें देखने मिला, उसके ठीक दूसरे दिन एक रिकवरी आई। तो अब हमें क्या कल देखने मिल सकता है? देखो, ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होगा, जो कि मैं तुम्हारा भाई इस वीडियो में क्लियर करेगा। तो फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ, अगर आप सब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। देखो, सबसे पहले हम चालू करेंगे बैंक निफ्टी के साथ। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, साथ ही साथ एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनेगा कल के दिन। जीरो हीरो ट्रेड आप लोग को देने वाला हूं कल के लिए। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम चालू करते हैं वन डे के चार्ट के साथ। देखो, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के मैं एनालिसिस देने वाला हूं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जिससे आपको सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी कि कल अगर ये हुआ तो हमें इस तरीके का ट्रेड लेना है, या अगर ये हुआ तो इस तरीके का ट्रेड लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग समझ गए हो तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पर आप देखोगे आज वन डे के चार्ट पर क्या हुआ। वन डे के चार्ट पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई है। यहां पर आप देखोगे कि आज जो हमें इस कैंडल की फॉर्मेशन देखने मिली है, ये बिल्कुल इनडिसीजन टाइप कैंडल की फॉर्मेशन आज हमें देखने मिली है, क्योंकि आज इस कैंडल ने एक हाई बनाया था, ऑलमोस्ट 45,761 का एक हाई बनाया था, और इसी कैंडल में हमें एक लो भी बनते हुए देखने मिला था, जो ऑलमोस्ट हमें देखने मिला था 44,822 का एक लो भी बना था, जिसके बाद यहां से एक रिकवरी आई और एक अपट्रेंड बना। उसके बाद ठीक जब एक हाई बनाया तो उसके बाद वहां से भी एक रिजेक्शन हमें देखने मिला, और जो हमें मार्केट की क्लोजिंग देखने मिली वो 45,500 के आसपास ही देखने मिली। जैसा कि हमें लग रहा था कि 45,500 के ऊपर देखने मिलेगी, क्योंकि इस कैंडल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई थी। इस कैंडल में बुल्स ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखा दी, पर उसके बाद भी ये कैंडल की जो हमें फॉर्मेशन देखने मिली वो कहीं ना कहीं इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे ही देखने मिली। मतलब यह है कि 45,000 एक बहुत ही स्ट्रांग रिजेक्शन है बैंक निफ्टी के लिए। यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बेयर्स बैठे हुए हैं, जो कि मार्केट को बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर जाने से। देखो, मैं आपको ऑप्शन चेन पे भी दिखाऊंगा, पर पहले हम चार्ट की बात कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब चीज करेंगे, पहले हम चार्ट पे समझेंगे इस चीजों को, उसके बाद ऑप्शन चेन पे भी हम समझेंगे। यहां पर आप देखोगे कि हुआ क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई बना था, जिसके बाद वहां से रिजेक्शन हुआ और मार्केट की क्लोजिंग हुई नीचे। उसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई। अगर आप सब यहाँ वॉल्यूम पे ध्यान दोगे तो वॉल्यूम भी हमें कम देखने मिल रहे हैं प्रीवियस 2 कैंडल से। मतलब आज जो हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिला है, वो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। देखो, कल के दिन हो सकता है कि इससे बड़ा भी पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिले, पर मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आज का जो हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिला था वो एक ट्रैप है, और कल हो सकता है कि इससे भी नीचे मार्केट हमें देखने मिल सकता है। मतलब 44,000 के आसपास कल हमें मार्केट देखने मिल सकता है, ऐसा पर्सनली मेरा व्यू है अभी। अब आगे आगे जैसे हम एनालाइज करते जाएंगे, वैसे वैसे हो सकता है कि थोड़े बहुत हमारे व्यू चेंज हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। उसके बाद अगर हम बात कर ले 1 आवर के चार्ट पर, तो 1 आवर के चार्ट पे क्या फॉर्म हुआ। देखो, 1 आवर का चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप ट्रेडर हो, मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को बताता हूं। और 1 आवर के चार्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई है, जो मुझे लगता है कि आप सबने भी जरूर नोटिस की होगी। अगर आप यहां पर देखोगे तो आज 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी आज हमें क्लोजिंग देखने मिली, जो कि अच्छी बात है बैंक निफ्टी के लिए। पर यहां पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म हुई है। यहां पर आप देखोगे कि हमें एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जाता हुआ देखने मिल रहा है। मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। यहां पर आप देखोगे मार्केट का जो मोमेंटम इस टाइम पे वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ देखने मिल रहा है। साथ ही साथ यहां पर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न का फॉर्मेशन होते हुए देखने मिल रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। मतलब अगर इसको अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है 45,700 को, अब बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो हमें 46,000 के आसपास देखने मिल सकता है मार्केट। पर अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और कल यहां से हमें एक और डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जाता हुआ देखने मिल सकता है, तो आराम से हमें 45,000 के आसपास तो देखने मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि इसको भी ब्रेक करे और 44,500 के आसपास हमें देखने मिल सकता है।
देखो ये सब देखने मिल सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखने मिलेगा, मैं आपको दोनों तरीके का व्यू दूंगा, पॉजिटिव व्यू भी दूंगा और नेगेटिव व्यू भी दूंगा। क्योंकि मार्केट में होता क्या है, आज मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूं, पर कल ऐसा हो सकता है कि कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाए या ऐसा कुछ हो सकता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड बन जाए। तब आप कहोगे कि सर आपने तो बोला था कि यहां से डाउन ट्रेंड जाएगा पर यहां से अप ट्रेंड चले गया। तो इसके लिए मैं आपको दोनों व्यू दे रहा हूँ, पॉजिटिव व्यू भी दूंगा और नेगेटिव व्यू भी दूंगा। तो अगर आप सबको नेगेटिव व्यू देखने मिलेगा तो आपको क्या करना है, आप लोग समझ गए हो। अब मैं आप लोग को पॉजिटिव व्यू दे देता हूं। देखो अगर अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि 45,750 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक बहुत ही अच्छी उछाल हमें देखने मिलेगी, एंड 101% मार्केट अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हमें आराम से यहां पर देखने मिल सकता है 46,200 के आसपास, तो एकदम आराम से देखने मिल सकता है। मतलब अगर इसको ब्रेक करता है, 45,750 को ब्रेक करता है तो आराम से हमें यहां से 300 350 पॉइंट का अप ट्रेंड देखने मिल सकता है। पर अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो क्या करना है वो मैं आपको बता चुका हूं, पर एक बार फिर से बता देता हूं। देखो ऐसा भी हो सकता है कि कल के दिन पहली 15 मिनट की कैंडल इसको ब्रेक कर जाए, पर सेकेंड कैंडल में ऐसा हो सकता है कि वापस से अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे आ जाए। तो इसलिए मैं आप लोग को कह रहा हूं कि कल स्टार्टिंग की 15 मिनट की दो कैंडल अपने को वेट करनी है। अगर अपने फेवर में रहेगा मार्केट तो ही अपने को ट्रेड लेना है, अदरवाइज वेट करना है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है और कल के दिन मार्केट हमें जरूर मौका देने वाला है पैसा कमाने का। उसके बाद अगर हम देख ले 15 मिनट के चार्ट पर, तो 15 मिनट के चार्ट पर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके वजह से कल आप किसी ट्रैप में फंसे ना। देखो आज जो हमें ओपनिंग देखने मिली थी मार्केट की, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपनिंग थी, एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने मिली थी, जिसके बाद इस कैंडल में एक बड़ा रिजेक्शन हमें देखने मिला था, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ देखने मिला था। जिसके बाद हुआ क्या, सेकेंड कैंडल ने इसको प्रॉपरली इनगल्फ कर लिया, मतलब यहां पर क्या फॉर्म हो गया, एक बुलिश एनगल्फिक टाइप पैटर्न फॉर्म हो गया, जिसने अपने इस इंपॉर्टेंट 30-डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग भी दी। उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या हुआ, एकदम शूट अप आया मार्केट में, इंपल्सिव मूव आया और मार्केट ने टच किया अपने हाई को, मतलब 45,448 को टच किया, जिसके बाद यहां से कंसोलिडेशन फेस चालू हुआ और वहां से एक ट्रेंड रिवर्सिबल आया मार्केट में। उसके बाद एक डाउनफॉल आया और मार्केट ने अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर सपोर्ट लिया और वहां से वापस से एक इंपल्सिव मूव हमें देखने मिला। मतलब इसका क्या है, 45,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोग को बता रहा हूं। उसके बाद यहां पर आप देखोगे कि वापस से मार्केट ने ब्रेक तो किया अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को, यानी कि 45,500 को ब्रेक भी किया और ऑलमोस्ट एक हाई भी बनाया था, 45,756 का एक हाई बनाया था, जिसके बाद मार्केट में वापस से एक ट्रेंड रिवर्सिबल आया। क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, ऑलमोस्ट अपने हाई से 90% का रिजेक्शन हमें देखने मिला था, जिसके बाद हुआ क्या, अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग हमें देखने मिल चुकी है। जिसका मतलब यह है कि मार्केट में आज पॉजिटिविटी तो थी पर उतना स्ट्रेंथफुल नहीं थी कि अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सके, जिसका मतलब यह है कि कल के दिन ज्यादा जो चांसेस है, मतलब जो 70% चांसेस है, वो नेगेटिव की तरफ मार्केट जाता हुआ हमें देखने मिल सकता है। अब आप कहोगे कि आज हमें इतना अच्छा ट्रेंड देखने मिला है तो कल हमें अचानक से नेगेटिविटी क्यों देखने मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि मार्केट में आप पिछले 4 दिनों से देखोगे तो क्या हो रहा है, एक नेगेटिव ट्रेंड फिर पॉजिटिव ट्रेंड फिर नेगेटिव ट्रेंड फिर पॉजिटिव ट्रेंड। अगर हम इसी रूल को फॉलो करो तो कल हमें एक बड़ा नेगेटिव ट्रेंड देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म होती हुई दिखी है। यहां पर आप देखोगे कॉल राइटर्स वर्सेस पुट राइटर बिल्कुल एकदम आमने सामने सेम टू सेम हो गए, मतलब जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हमें देखने मिल रहे हैं उसमें कुछ बस 10-5 हजार या 20-25 हजार कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, जो कि कल के दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मार्केट में। उसके बाद अगर हम बात कर ले अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो जैसा कि आप सबको बताया कि मार्केट का अभी भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 45,000 ही है, क्योंकि यहां पर पुट राइटर अभी भी हमें काफी अच्छे देखने मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज्यादा पुट राइटर हमें यहां पर देखने मिल रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी भी जो बना हुआ है वो 45,500 ही बना हुआ है। देखो आज हमें क्लोजिंग जरूर ऊपर देखने मिली है 45,502, मतलब ऑलमोस्ट 2 रुपए बस ऊपर क्लोजिंग देखने मिली है, जो कि मुझे लगता है कि आज मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो सकता था, क्योंकि आप देखोगे मार्केट ने एक हाई बनाया था ऑलमोस्ट 45,750 के आसपास का एक हाई बनाया था, जिसके बाद वहां से हमें 250 पॉइंट का रिजेक्शन देखने मिला। मतलब एंड ऑफ द मार्केट में जब मार्केट क्लोज होने जा रहा था वहां पर किसी ने बहुत ही बड़ा रिजेक्शन दिया है और 250 पॉइंट बैंक निफ्टी जो ऊपर ट्रेड कर रहा था वो नीचे आके क्लोज हुआ है, जिसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि कल हमें एक नेगेटिव ओपनिंग देखने मिल सकती है।
पर अगर ऐसा समझो कल बैंक निफ्टी ने 45,500 को ब्रेक कर भी दिया, तो उसके बाद क्या हमें मार्केट में एक बहुत ही बड़ा इंपल्सिव मूव देखने मिलेगा? क्या उसके बाद कोई भी इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आसपास नहीं है? तो उसका आंसर है यस। अगर 45,500 को कल के दिन बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहां पर आप लोग कॉल साइड के ट्रेड लेके चल सकते हो। और जो हमें टारगेट रखने हैं वो 46,000 के आसपास हमें टारगेट रखने हैं, क्योंकि यहां पर आप देखो कि अदर कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे इतना अच्छा हमें एक कॉन्ट्रैक्ट यहां पर देखने नहीं मिल रहा है जितना हमें 46,000 पर देखने मिल रहा है। 46,000 पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट 2.5 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसका मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर ले निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या लगता है? देखो निफ्टी का भी सबसे पहले डेली चार्ट की एनालिसिस दूंगा, उसके बाद आपको इसमें भी एक डिटेल एनालिसिस देने वाला हूं और एक मल्टीपल टाइम फ्रेम की एनालिसिस देने वाला हूं। उसके बाद अगर हम बात कर ले निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या लगता है? निफ्टी में आज एक पिनबा टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने मिला है अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर, जिसने अपने इस इंपॉर्टेंट 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। देखो निफ्टी में तो मैंने कल भी बोला था कि यहां पर नेगेटिविटी नहीं है, बिल्कुल आज वैसा ही हुआ, यहां पर बिल्कुल भी हमें नेगेटिविटी देखने नहीं मिली है। और जो निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने मिली है वो 21,743 के आसपास देखने मिली है। मतलब जो एक इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 21,700, उसको निफ्टी ने अब ब्रेक कर लिया है, उसके ऊपर आज निफ्टी की हमें क्लोजिंग देखने मिल चुकी है, जिसका मतलब यह है कि कल के दिन यहां पर एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है और निफ्टी हमें 21,900 या 22,000 के आसपास देखने मिल सकता है अगर हम बात करें ऑन डेली चार्ट। क्योंकि अगर आप यहां पर वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी हमें काफी अच्छे देखने मिले हैं प्रीवियस कैंडल से, जिसका मतलब यहां पर बुल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छी है और इसको 22,000 के आसपास लेके जा सकती है। उसके बाद अगर हम बात कर ले 1 आवर के चार्ट की ऑन निफ्टी, तो हमें 1 आवर के चार्ट पर क्या देखने मिलता है? यहां पर आप देखोगे 1 आवर का जो चार्ट है वहां पर एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना था, निफ्टी ने एक ऑलमोस्ट लगभग 12-15 पे एक अचानक से इंपल्सिव मूव बनाया और निफ्टी ने जो एक लो बना था इसका 21,686 के आसपास, यहां से एक इंपल्सिव मूव बना और निफ्टी ने बहुत ही अच्छा शूटअप किया और निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने मिली वो 21,700 के आसपास देखने मिली है, यानी कि 21,743 के आसपास देखने मिली है, जो कि एक अच्छी बात है निफ्टी के लिए। पर अभी भी निफ्टी में एक डाउन ट्रेंड है, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर भी एक डाउन ट्रेंड जैसा हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1 आवर के चार्ट पर निफ्टी अभी भी 30 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। देखो 1 डे के चार्ट पे जरूर ऊपर क्लोजिंग दिया है, पर 1 आवर के चार्ट पर जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक वो एक इंपल्सिव मूव देखने नहीं मिलेगा आपको, जो हम देखना चाहते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर ले 15 मिनट के चार्ट की, तो 15 मिनट के चार्ट पे क्या लगता है? देखो 15 मिनट के चार्ट पर बिल्कुल वैसा ही यहां पर भी फॉर्मेशन हुआ जैसा हमें बैंक निफ्टी में फॉर्मेशन होता हुआ देखने मिला था, क्योंकि अगर आप यहां पर भी देखोगे तो यहां पर भी एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई थी, जिसके बाद एक बड़ा रिजेक्शन हमें देखने मिला निफ्टी में, उसके बाद यहां से एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना और मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा इंपल्सिव मूव दिखाया निफ्टी में और निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने इस इंपॉर्टेंट लो यानी कि 21,581 के आसपास से एक बहुत ही अच्छा इंपल्सिव मूव दिखाया और मार्केट को 21,750 के आसपास लेके गया, जिसके बाद क्या हुआ वहां से रिजेक्शन देखने मिला, फिर वहां से एक ट्रेंड रिवर्सल आया और मार्केट की जो हमें क्लोजिंग देखने मिली वो 21,700 के ऊपर देखने मिली, जो कि एक अच्छी बात है और जो कि कल के दिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो कल के लिए अगर आप सबको अपने इंपॉर्टेंट डेटा ऑन चार्ट मिल गए हो, तो अब हम ऑप्शन डेटा पे चलते हैं। अगर आप देखोगे इनका ऑप्शन डेटा, तो ऑप्शन डेटा में हमको क्या दिखाई देता है? यहां पर आप देखोगे तो अभी भी कॉल साइड हमें थोड़े ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट देखने मिल रहे हैं वर्सेस पुट राइटर के। देखो बैंक निफ्टी में हमें बिल्कुल सेम टू सेम देखने मिल रहे थे, पर यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो अलग है। यहां पर आप देखोगे कॉल राइटर जो हमें देखने मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 20 लाख के ऊपर देखने मिल रहे हैं, वहीं पर जो हमें पुट राइटर देखने मिल रहे हैं वो 16 लाख के ऊपर देखने मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए अभी वो 21,900 है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। पर अगर कल के दिन 21,900 को ब्रेक करता है निफ्टी, तो 22,000 आराम से हमें देखने मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर ले सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, तो जैसा कि आप सबको पता है कि 21,500 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। जब तक इसके ऊपर है तब तक टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,25,000 के आसपास हमें पुट राइटर देखने मिल रहे हैं, जिसके वजह से ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट बन जाता है मार्केट के लिए। देखो मैंने आपको एक पूरी डिटेल एनालिसिस दे दी बैंक निफ्टी पे, निफ्टी पे, साथ ही साथ दोनों के ऑप्शन चेन पे भी मैंने आपको एक डिटेल एनालिसिस दे दी। तो देखो मैंने आप लोगों को एक पूरा डिटेल एनालिसिस दे दिया, अब मैं आपको एक कंक्लूजन दे देता हूं।
देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी में आज हमें पॉजिटिविटी देखने मिली। देखो वो पॉजिटिविटी ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि आज जो हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने मिली वो अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे देखने मिली है, जबकि बैंक निफ्टी ने इसको क्रॉस भी किया था और एक हाई भी बनाया था, जिसका मतलब यह है कि यहां पर एक रिजेक्शन देखने मिला है, जिसके वजह से कल के दिन ऐसा हो सकता है कि यहां पर हमें एक बड़ा रिजेक्शन देखने मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी में रिजेक्शन देखने मिलेगा तो उसका असर जरूर आपको निफ्टी में देखने मिलेगा, और निफ्टी में भी रिजेक्शन हमें देखने मिल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि 21,500 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए जो अभी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है वो 45,000 बना हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने जो भी एनालिसिस आप लोग को दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए है, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ के कीजिए। थैंक यू।